Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had discussed and completed your 9th unit. Now, today we are going to start your 10th unit, The Naughty Boy and Pinocchio. Okay, so your first lesson is The Naughty Boy, which is poem, and second lesson is Pinocchio, which is your story. Okay, so let's see. Here it is your first lesson, The Naughty Boy. Poem. So let's start. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as a hard, that a yard was as a long, that a song was as a merry, that a cherry was as a red, that glade was as a weighty, that first chord was as a 80, that a door was a wooden as in a England. So he stood in his shoes, and he wondered. So what is in this poem? So this is the boy who went to the Scotland. जो स्कॉटलैंड जाता है वो goes to the Scotland जाता है और फिर वहाँ पे जो स्कॉटलैंड की दुनिया है वो देखता है, वो इंग्लैंड से कैसी अलग है, कैसे अलग है वो सब देखता है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, तो ये बॉय जो है वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है, वहाँ की दुनिया को देखता है. मतलब कि वो उस इंग्लैंड से अलग लगता है, जो उसके ग्राउंड है, उसके यार्ड है, वो सब उससे अलग लगता है. ओके, तो लेट्स सी. देयर वाज अ नॉटी बॉय. तो ये जो है वो नॉटी बॉय है. नॉटी मींस जो नटखट हो ना, जैसे कि हमारे कान्हा जी थे नॉटी वैसे. ओके, फिर ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड जाता है, द पीपल देयर टू सी. ओके, तो वो स्कॉटलैंड क्यों जाता है? वहाँ के पीपल को देखने के लिए. देन ही फाउंड that the ग्राउंड was as hard that a yard. ओके, तो वहाँ पर जाके वो क्या फाउंड करता है कि जो वहाँ के स्कॉटलैंड के ग्राउंड है वो इतने हार्ड है जैसे कि यार्ड हो, यार्ड होता है ना उसकी तरह हार्ड है. फिर was as long that a song was as merry that a cherry. ओके, तो जो जो ग्राउंड है वो लॉन्ग है सॉन्ग की तरह. फिर मैरी यानी कि खुश मिजाजी हो ना, लाइवली मतलब कि कुछ लाइवली हो वो, तो वो चेरी की तरह है. फिर वॉज एज अ रेड दैट अ लेड. ओके, रेड किस तरह, जो चेरी लेड होती है. ओके, उस तरह. और लेड वॉज एज अ वेटी दैट फॉर स्कोर वॉज एज 80. ओके, और वेटी है 80 की तरह. देन दैट अ डोर वॉज एज वुडन इन एज इन इंग्लैंड. ओके, जो डोर है वो किससे बने हुए हैं? वुडन से बने हुए हैं. जो आपको दिख रही है स्कॉटलैंड की दुनिया, तो इंग्लैंड में जैसे डोर बने होते हैं वुडन से, वैसे ही बने हुए हैं. नेक्स्ट, वुडन यानी कि लकड़े के, है ना. नाउ सो ही स्टूड इन हिज शूज़. अभी वो अपने शूज़ में खड़ा रहा. ओके, और वंडर एंड ही वंडर. वंडर मीन्स आप सरप्राइज हो जाते हो ना, तो वंडर मतलब वंडर हो गया है, मतलब स्कॉटलैंड की दुनिया को देख के ऐसे. और फिर वो खड़ा रहा ऐसे ही और वंडर होता रहा. ओके, तो ये पोयम है जो जॉन केट्स ने लिखी हुई है स्कॉटलैंड के बारे में. ओके, स्कॉटलैंड की दुनिया के बारे में. जो एक बॉय है वो इंग्लैंड से स्कॉटलैंड जाता है, उससे क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है वहाँ पे. ओके, नाउ लेट्स सी इट्स न्यू वर्ड्स. सो फर्स्ट वन इज नॉटी, देन फाउंड, देन ग्राउंड, देन मैरी, चेरी. ये ऑल्सो यू हैव गिवन सो मैनी राइमिंग वर्ड हियर, लाइक फाउंड, ग्राउंड, देन हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, मैरी, चेरी, रेड, लेड, वेटी, 80. ओके, दीज आर द राइमिंग वर्ड एज यू कैन सी, राइट. नाउ लेट्स सी इट्स मीनिंग. सो हियर इट इज योर मीनिंग्स. फर्स्ट वन इज नॉटी. नॉटी मीन्स डिसओबेडिएंट, मतलब कि जो मानता ना हो ना, वो हमारी कही बात ना मानता हो, डिसओबे करता हो वो. देन फाउंड, फाउंड मीन्स टू डिस्कवर, ढूंढना. देन ग्राउंड मीन्स द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके,
ग्राउंड जो होता है हम बोलते हैं ना, वो सॉलिड सबस्ट्रेट हो सरफेस होता है अर्थ का वो। देन मैरी, मैरी मीन्स चीरफुल एंड लाइवली। देन चेरी मीन्स अ स्मॉल डार्क रेड फ्रूट, राइट, एज यू सी इन मार्केट। ओके, आप देख सकते हो ना मार्केट में होता है चेरी का फ्रूट। देन वेटी, वेटी मीन्स हैवी, हैविंग अ ग्रेट वेट। ओके, तो जिसका वेट बहुत ज़्यादा उसे वेटी बोलेंगे। देन वुडन, मेड ऑफ वुड, जो वुड से बना हुआ होता है। नाउ लेट्स सी इट्स सेंटेंस। सो फर्स्ट इज रिया इज अ नॉटी गर्ल। ओके, आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, राहुल इज अ नॉटी बॉय। ओके, आपको खुद से लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन इज आई फाउंड अ बुक ऑन द टेबल। ओके, तो फाउंड के नीचे अंडरलाइन करनी है क्योंकि इसका है ये नॉटी का है, ये फाउंड का है। देन जय वॉज अ सिटिंग ऑन द ग्राउंड। फिर द किड्स वर सिंगिंग मैरी सॉन्ग। ओके, मैरी यानी कि हैप्पी गीत, हैप्पी वाले, मैरी क्रिसमस आप बोलते हो ना, मतलब कि हैप्पी क्रिसमस, दैट इज मैरी। नाउ चेरी इज माई फेवरेट फ्रूट। देन यामिनी इज अ वेटी गर्ल, मीन्स की बहुत ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट वन, द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ वुडन बॉक्स। ओके, आप दूसरे कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके अलावा आप खुद से बना सकते हो, राइट। अभी तो आप फोर्थ में आ गए तो अपने आप से भी सेंटेंस बना सकते हो। नाउ लेट्स सी इट्स क्वेश्चन आंसर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द नॉटी बॉय कम। ओके, तो नॉटी बॉय कहाँ से आया था? द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, राइट। नाउ सेकेंड वन इज वेयर डिड द नॉटी बॉय गो। सो द नॉटी बॉय वेंट, गो का वेंट होगा क्योंकि डिड है इसलिए, वेंट टू स्कॉटलैंड, राइट। नाउ व्हाई डिड ही गो देयर? सो ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल। ओके, वो उसकी पीपल देखने को गया था स्कॉटलैंड के। नाउ व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? ओके, तो उसे क्या ऐसा सरप्राइजिंग लगा स्कॉटलैंड में? ओके, तो द बॉय वंडर अबाउट द हार्ड ग्राउंड एंड लॉन्ग यार्ड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ही वॉज ऑल्सो अमेज टू सी द रेड चेरीज एंड हैवी लेड्स। ओके, तो ये सब देख के वो क्या हुआ था, वंडर हुआ था। तो फर्स्ट वन इज ग्राउंड उसके, देन एज एंड लॉन्ग एंड यार्ड, लॉन्ग यार्ड ऑफ स्कॉटलैंड, देन रेड चेरीज एंड हैवी लेड्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक। सो फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया। ओके, तो मतलब वो इंडिया में आएगा, स्कॉटलैंड में उसने वो क्या क्या देखा? तो अगर आप सोचो कि अगर वो इंडिया में आएगा तो उसे क्या क्या देखने को मिलेगा? सो द नॉटी बॉय वुड बी अमेज्ड टू सी द मॉन्यूमेंट एंड टेम्पल्स इन इंडिया। ओके, तो हमारी मॉन्यूमेंट्स जो है, मतलब कि हमारी स्मारक जो है वो इंडिया के, जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, वो देख के वंडर होगा, राइट। एंड टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स है हमारे इंडिया में, तो वो देख के वो लाइक अ गोल्डन टेम्पल, ओके, ऐसे टेम्पल्स को देख के वो वंडर होगा। नाउ सेकंड वन इज हैव यू बीन टू अनदर प्लेस रिसेंटली? व्हाट इज इट लाइक? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन प्लेस? ओके, तो ये आपको करना है कि आप कभी अभी अभी भी रिसेंट में कहीं पे गए हो और कहाँ पे गए हो और वो आपकी प्लेस से कैसे डिफरेंट है वो लिखना है। ओके, नाउ थर्ड वन इज ऑल कल्चर्स हैव देयर ओन फोक सॉन्ग इन विच ईस्ट लाइन इज रिपीटेड। दिस लाइन इज सॉन्ग इन अ चोरस। सिंग अ फोक सॉन्ग इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, तो फोक सॉन्ग गाना है, उसमें जो एक लाइन होती है वो ऑलवेज रिपीट होती है। ओके, तो फोक सॉन्ग आपको पता ही है क्या क्या कौन से होते हैं, तो वो गाने है ये, तो ये आपकी एक्टिविटी में है, वो अभी अब करना नहीं है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे जो आपका टेंथ लेसन है, उस टेंथ यूनिट है, उसका फर्स्ट लेसन ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज मैं PDF में भेज दूँगी। ओके, सो उसमें से आपको कर लेनी है। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है। ओके, आपको आ ही जाएगा, ये मैं डिस्कस कर लेती हूँ ओनली।
इसमें देखो कि क्या है कि लुक एट द वर्ड गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ। ओके, जो किसकी बनी हुई है, जैसे कि मेटल का बना हुआ है तो मेटल के नीचे, वुड का बना हुआ है तो वुड के नीचे, रबर का है तो रबर के नीचे, क्लोथ का है तो क्लोथ के नीचे। फर्स्ट है बलून, तो बलून किससे बना होता है, रबर से, सो रबर में आएगा। देन चेयर वुड की बनी होती है, सो वुड में आएगी। टेबल भी वुड का होता है, इरेजर रबर का होता है, सो इसमें आएगा। देन शर्ट क्लोथ होता है, सो इसमें आएगा। देन पेंसिल वुड की होती है, सो इसमें आएगी। देन टॉयज तो टॉयज यहाँ पे टेडी बियर टाइप दिख रहा है, सो कपड़े का होता है, सो टॉयज क्लोथ में आएगा क्योंकि उसमें कॉटन होता है ना, और ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है। देन कार, कार आएगी मेटल में। देन ट्राउजर्स क्लोथ में। देन नाइफ मेटल में, और सीजर मेटल में, और कैप जो है वो क्लोथ में। ओके, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। अभी लेट्स सी योर नेक्स्ट लेसन पिनाकियो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इन योर पिनाकियो। यू हैव ऑलरेडी हर्ड द स्टोरी ऑफ पिनाकियो, सो मैनी स्टोरीज अबाउट पिनाकियो। ओके, सो लेट्स सी। Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. Okay, queer means different, unique piece होता है ना वो। Okay, तो एक दिन क्या हुआ कि एक carpenter तो पता ही है। Okay, वो क्या लेके आया, एक queer piece of wood का लेके आया, मतलब कि different type of unique piece होता है ना, like that. Okay, as he used his plan on it, he heard a little laughing voice say, "Stop! You are tickling me." Okay, तो जैसे ही वो उस जो वुड का पीस था उससे कुछ बनाने को जा रहा था, मतलब कि कुछ बनाना चाहता था, अभी वो कारपेंटर है तो कुछ भी बना सकता है। ओके, वुड का तो वो बना नहीं जा रहा था, तो उस लकड़े में से आवाज़ आई सडनली कि स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी, मतलब कि आपको गुदगुदी करते हो तो कैसा होता है, वैसे ही वो कि तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो, लाइक दैट। ओके, सो द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। ओके, तो ये जो ओल्ड कारपेंटर था वो मतलब सरप्राइज हो गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही सेड दिस इज अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, और वो बोला कि ये तो स्ट्रेंज मतलब कि डिफरेंट पीस है, मतलब कि अजीब ही पीस है। ओके, वुड का। नाउ व्हाट शैल आई डू विथ इट, ओके मुझे इसे क्या करना चाहिए इसके साथ। सो आई थिंक आई मेक इट इनटू अ पपेट। ओके, तो वो सोचता है कि मुझे इसका पपेट बनाना चाहिए। अभी पपेट क्या है आपको पता ही है। ओके, पपेट आपने जो गुड्डा गुड्डी का खेल देखते हो ना, मतलब कि आप मेले में जाते हो तो है ना, खेल होता है तो वो पपेट होता है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पपेट होते हैं, आपके यहाँ पे होगा पपेट। ओके, ये सारे पपेट है, देखो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ पपेट्स, लाइक शेडो पपेट। ओके, फिर ये है स्ट्रिंग पपेट, ये है ग्लव पपेट, देन फिंगर पपेट, देन दिस इज द स्कल्पचर पपेट। ओके, स्कल्पचर यानी कि जो बनाता है ना मूर्तियाँ, वही स्कल्पचर। ओके, तो वही है। ओके, तो ये पपेट बनाने का उसने सोचा। नाउ ही सेट टू अ वर्क एंड एज द पपेट बॉय टूक शेप द ओल्ड मैन सेड ही मस्ट हैव अ नेम, आई विल कॉल हिम अ पिनाकियो। ओके, तो उसने उसका क्या बनाया, एक बॉय बनाया और फिर वो पूरा आदमी बन गया, तब उसने सोचा कि उसका एक नाम भी रखना चाहिए, है ना, अभी बना दिया है तो उसने उसका नाम क्या रखा, पिनाकियो, उसे पिनाकियो बुलाया। नाउ एज सुन एज He finished making the eyes, the carpenter was amazed to see that move. Okay, जैसे ही उसने आँखें बनाई, देखो ये boy बना उसकी आँखें बनाई, तो उसने देखा कि वो amazed हो गया, surprise हो गया, क्योंकि वो wood का था, है ना, वो उसमें ना तो जीव था, है ना, life नहीं थी, पर वो उसकी आँखें जो है वो move कर रहा था। Okay, now before the mouth was made it began to laugh, stop laughing the old man said. Okay, तो माउथ अभी उसने बनाया भी नहीं था और वो हंसता था, मतलब कि जो वो
वुड का पीस था, वो हंस रहा था। तो उसने, जो ओल्ड मैन ने कहा कि अभी हंसना बंद करो, आई इट डिड स्टॉप, बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्नड इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रो लॉन्ग। ओके, तो जैसे ही, मतलब कि अभी वो बोलता था ओल्ड मैन कि अभी चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाता था, पर जैसे ही वो ओल्ड मैन था वो मुड़ता था, तो जो उसकी टंग थी और उसकी जो नोज थी वो बड़ी हो जाती थी। देखो ये दिख रही है आपको, ये उसकी नोज है, जो देखो पहले ये बहुत छोटी थी पर अभी बड़ी हो गई और टंग भी बड़ी हो जाती थी। ओके, नाउ नो सूनर वेयर इट्स हैंड रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विंग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड एंड देन पिनाकियो नोज ग्रू लॉन्गर। ओके, और ऐसे ही उसका जो नोज था वो बड़ा ही होता जाता था। व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वेर मेड दे वेर टू स्टिफ टू यूज, सो द कारपेंटर शोड पिनाकियो हाउ टू यूज देम। ओके, जब उसने उसके हाथ और पैर बनाए तो उसे पता नहीं था कि उसका यूज कैसे करना है, तो कारपेंटर ने उसे सिखाया कि कैसे यूज करना है। नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड to send Pinocchio to school, but there Pinocchio did nothing but look for a fun. He often ran away from a school. Okay? तो उसने, जो कारपेंटर था उसने सोचा कि उसे Pinocchio को स्कूल में भेजना चाहिए, पर वहाँ पर स्कूल में वो भाग के वापस आ जाता था, क्योंकि सब वो फन जैसा दिखता था ना, इसलिए। Why don't you गो टू स्कूल? ओके, तो वो पूछता था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ओल्ड मैन पूछता, आस्क द कारपेंटर, कारपेंटर पूछता था। पिनाकियो टोल्ड हिम अ लाई एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो पिनाकियो जो है वो झूठ बोलता था और उसकी जो नाक थी वो बड़ी हो जाती थी। मतलब कि वो, उसकी नाक क्यों बड़ी हो जाती थी? जब भी वो झूठ बोलता था तो उसकी नाक क्या हो जाती थी? बड़ी हो जाती थी। Each time he was rude to someone or told a lie, his nose grew longer. Okay, जब भी वो किसी के साथ बुरा व्यवहार करता था या फिर झूठ बोलता था तो उसकी nose थी वो बड़ी हो जाती थी। Finally, Pinocchio said, I'm glad to be a real boy. I never lie again. Okay, तो वो लास्ट में बोलता है कि अच्छा है कि मैं एक रियल बॉय हूँ, मैं अभी कभी लाई नहीं बोलूँगा। मतलब कि अगर वो लाई बोलता तो क्या होता, उसकी नाक जो है वो बड़ी हो जाती थी, तो इसलिए वो, उसने सोचा कि अभी मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। ओके, तो ये कहाँ से अडॉप्ट की हुई है? स्टोरी ऑफ पिनाकियो, पिनाकियो की पूरी स्टोरी बुक आती है ना, तो उसमें से ये अडॉप्ट की हुई है। ओके, तो ओके, लेट्स सी इट्स न्यू वर्ड्स। सो फर्स्ट वन इज कारपेंटर, क्वियर, देन Plan, then puzzled, then puppet, took shape, amazed, finished, stiff, and decided. Okay, now let's see its meanings. So here it is, your meanings. First one is carpenter. So carpenter means a person who makes or repair wooden object. Okay, now queer means strange or odd. Okay, kuch different type. Now next is plain. Plain means completely flat. Then puzzled means अनएबल टू अंडरस्टैंड, ओके, कुछ समझ में ना आ रहा वो पजल्ड होता है। देन पपेट, पपेट मीन्स मॉडल ऑफ अ पर्सन और अन एनिमल मूव्ड बाय स्ट्रिंग्स। ओके, देन टूक मीन्स टू डेवलप अ क्लियर फॉर्म। ओके, देन अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, फिनिश्ड मीन्स टू ब्रिंग टू अन ओल्ड एंड, ओके, मतलब कि ख़त्म करने पे आना। देन स्टिफ मीन्स राइट और सॉरी रिजिड और स्ट्रांग। ओके, एंड डिसाइडेड मीन्स टू मेक अप योर माइंड टू डू समथिंग। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स सेंटेंसेस। योर फर्स्ट सेंटेंस इज आई कॉल्ड द कारपेंटर इन द मॉर्निंग। ओके, सो कारपेंटर के नीचे अंडरलाइन आएगी। Then second one, I have a many queer friend. Okay, queer means different friend. Vichitra. Okay. Phir chop the vegetable on the plain surface. Then Jaya puzzled took home.
देन आई सी अ पपेट शो. देन माई आइडियाज टूक शेप इन अ वायल. आई वॉज अमेज टू सी माई फादर एट स्टेशन. देन आई हैड अ फिनिश्ड माई होमवर्क ऑन टाइम. द लेटर वॉज वेरी स्टिफ. स्टिफ मीन्स रिजिड. देन शी डिसाइडेड टू स्टडी फॉर अन आवर. देन द कारपेंटर बॉट अ वेरी ऑड पीस ऑफ वुड. ओके नाउ योर क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कारपेंटर बाय. सो द कारपेंटर बॉट अ वेरी ऑड पीस ऑफ वुड. नाउ सेकेंड वन इज व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट. ओके सो ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट. उसने वुड के पीस से क्या बनाया था? पपेट. देन थर्ड वन व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट. उसने उसके पपेट को क्या बुलाता था? सो ही कॉल्ड हिम पिनाकियो. ओके उसके पपेट को क्या बुलाता? पिनाकियो. देन फोर्थ वन इज व्हाट डिड पिनाकियो से इन द एंड. पिनाकियो एंड में क्या बोलता है? इन द एंड पिनाकियो सेड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. आई विल नेवर लाई अगेन. यही बोलता है ना कि मुझे खुशी है कि मैं एक रियल बॉय हूँ, मैं अभी कभी झूठ नहीं बोलूँगा. ओके पिनाकियो का मतलब क्या होता है कि जो अगर झूठ बोले जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, है ना, ऐसा होता है. एक इसके ऊपर पिनाकियो के ऊपर एक बहुत सारी स्टोरीज भी, मतलब कि सीरियल भी बनी बन चुकी है. ओके कोरिया में भी है एक सीरियल इसकी, पिनाकियो की. ओके सो आप देखना अगर मतलब कि सर्च करना अगर कर सकते हो तो. ओके नाउ सी इन द नेक्स्ट. सॉरी आपका यहाँ पे पूरा जो होम आपकी बुक है उसका सिलेबस कंप्लीट होता है. अभी आपकी एग्ज़ाम आएगी तो उसमें आपको लिखना है. ओके और इसकी जो PDF है वो मैं भेज दूँगी. ओके सो सी इन द सॉरी हैव अ नाइस डे. और यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका ख़त्म होता है.